Hi learners, this is Alisha Mahajan from An Academy. Hope you are doing well. So guys, as you know, हमने पूरा का पूरा एक अपना stats का subject जो है वो खत्म करा है. अब मैं क्या चाहती हूँ कि आपका ना financial management का जो chapter है ना, I mean to say पूरा का पूरा subject. Yes, you are सही सुन रहे हैं आप. ठीक है, live classes नहीं हो पा रही हैं कुछ दिनों से, मतलब टाइम हो गया काफ़ी. रीज़न उसका कुछ है, पर्सनल रीज़न. सो मैंने क्या सोचा है कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू ही अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर उसकी आपको थियरी करवा दी जाए. ठीक है, सो गाइस, दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर किस किस के लिए हेल्पफुल होगा. इफ़ यू आर डूइंग बी कॉम, मतलब इफ़ यू आर ऑन ग्रेजुएशन क्लासेस, पोस्ट ग्रेजुएशन, and most importantly for the NTA, UGC, ठीक है, जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. अलीशा महाजन, मेरा नाम है अलीशा महाजन, जिनको नहीं पता है. सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें मैं एक एक करके आपको सारे चैप्टर्स करवाऊंगी. सो सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल से टर्म पर हम बात करें तो पैसों से रिलेटेड हमने सब चीजें करनी है इसमें. सो इट इज लाइक फाइनेंस के फंक्शन को प्लान और कंट्रोल करना. सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, फाइनेंस को प्लान करना एंड क्या करना, कंट्रोल करना. प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस फंक्शन, मतलब सारा चीजें ना पैसों के इर्द गिर्द घूम रही है. ठीक है, दुनिया भी पैसों के इर्द गिर्द घूमती है और ये जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, ये भी पैसों के इर्द गिर्द ही घूमेगा. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर पे हम जो मीनिंग वगैरह है उस पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. सीधा से सीधा चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग चैप्टर. अब बजटिंग क्या होता है देखो. बजटिंग में हम क्या करते हैं कि बेसिकली बजट बनाते हैं ना हम. जैसे कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, अमाउंट invested in a business, और उससे related जो budget हम बना, देखो ना amount invest करनी है तो पहले budget बनाओगे ना, कहाँ से पैसा लेना है, क्या करना है, उससे related जो सारी की सारी चीजें होंगी ना वो हम करेंगे यहाँ पर. But important चीज क्या याद रखनी है, it is for long term. बजट जो बनेगा ना, ये basically आप जब budget करते हो तो आपको पता है short term budget भी होता है, long term भी होता है, लेकिन इसमें हम जो चैप्टर में बात करेंगे वो सिर्फ लॉन्ग टर्म बजट्स की बात करेंगे. ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई आपको. जरूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल बजटिंग की, वो समझते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वाइटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्वियसली बजट बनाना एक वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल बोले तो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन. बजट अच्छे से बनाया होगा, इररिवर्सिबल एक्शन होता है ना. यस, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बता दिया है, इररिवर्सिबल डिसीजन. एक बार पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, बजट बनाकर एसी खरीद लिया तो गए ना पैसे, गया ना 40,000 रुपया. सो इट मीन्स इसमें क्या बोला जाता है, एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया वो आपका इररिवर्सिबल हो जाता है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. स्कार्स क्या होता है, टाइम आपका स्कार्स है, वर्कर्स आपके स्कार्स हैं, उसके अलावा पैसे आपके स्कार्स हैं. स्कार्स मतलब कमी, ठीक है ना. सो इन सब की कमी होती है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है. ओवर एंड अंडर कैपेसिटी, देखो ओवर कैपेसिटी हो जाएगी, खाली रहेगा ना, आइडल रहेगा तो भी नहीं चलेगा काम. अंडर कैपेसिटी, आई मीन टू से यस, अंडर कैपेसिटी में हमारा खाली रहेगा और ओवर कैपेसिटी में क्या होगा, आपका पैसे वेस्ट जाएंगे, वेस्टेजेस होगी, ओवर से वेस्टेज होगी, अंडर से खाली जाएगा. सो ये भी दिक्कत आ जाती है, ये भी हमने देखना होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ओवर या अंडर यूटिलाइजेशन ना हो. नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस कैसे होती है देखिए, नेशनल इंपॉर्टेंस होती है जैसे हम इसमें क्या करते हैं, एक कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, उससे क्या हुआ, किसी को एम्प्लॉयमेंट मिली, किसी को एम्प्लॉयमेंट देने से क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट आपने दी किसी को तो उससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, उसने जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करा, जीडीपी पे कंट्रीब्यूट किया तो नेशनल इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है ना. सो ये हो जाता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग. नाउ वी विल बी डूइंग द प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, वेरी इजी गाइज, इसकी हम प्रोसेस करते हैं. सबसे पहले हमने क्या करना होता है,
हमारे पास एक गोल होता है, गोल को ध्यान में रखते हुए मैंने ना इस गोल को अचीव करना है. सो दिमाग में एक गोल होता है, फिर हम उससे रिलेटेड क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोले तो कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए कि हम क्या चाहते हैं वो हम डिसाइड करते हैं. फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को. देखो जो कभी भी प्रोजेक्ट्स होते हैं अकेले तो हो नहीं सकते, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, देर आर सो मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल. इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल लाइक 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से हम स्क्रीनिंग करेंगे. फिर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग कर देंगे जो हमें लगता है नहीं ये सही नहीं है. किस तरीके से स्क्रीनिंग करेंगे प्रीलिमिनरी में, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम का क्राइटेरिया ही है कि प्लस टू पास चाहिए, अगर तो 10th पास वाले आ जाएंगे वो तो पहले ही स्क्रीन आउट हो जाएंगे ना, बाहर निकल जाएंगे. तो उसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. उसके बाद हम करते हैं फाइनेंशियल अप्रेजल, क्वांटिटेटिव अप्रेजल, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन. ठीक है, प्रोजेक्ट एनालिसिस. फाइनेंशियल अप्रेजल मतलब ये देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें सस्ता पड़ेगा कौन सा महंगा. क्वांटिटेटिव कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे कितने नहीं बनेंगे. प्रोजेक्ट इवेल्युएशन कितना फिजिबल होगा प्रोजेक्ट कितना नहीं होगा. तो सारी की सारी क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, ये सब फीलिंग्स वगैरह हम चेक कर लेते हैं. उसके बाद अगर तो हमें प्रोजेक्ट सही लगता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर लेते हैं. एक्सेप्ट कर लिया तो उसे बाद में इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन में ले आओगे, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर से वही स्टेप्स दोबारा दोबारा चलेंगे. ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि जो हमने स्टेप्स फॉलो करे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा. सो ये हमें पता लग जाएगा यहाँ से. ठीक है, फिर हमने आगे कंटिन्यू करना है, एक्सपैंड करना है कि अबेंडन करना है प्रोजेक्ट. मतलब काफी टाइम हो गया तो अबेंडन कर देंगे क्योंकि अब प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं चल रहा. लेकिन अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो आप कंटिन्यू करोगे, उसे एक्सपैंड करोगे. पहले एक फैक्ट्री थी अब दूसरी फैक्ट्री भी लगा ली. फिर उसके बाद ऑडिटिंग करोगे, चेकिंग करोगे, वेरिफिकेशन करोगे कि सब काम ठीक ढंग से किया गया है कि नहीं किया गया है. सो इट इज कॉल्ड बजटिंग प्रोसेस. ये आपको बेस क्लियर करवाने के लिए जरूरी है. उसके बाद डिसीजन कैसे होते हैं. सो पहला है हमारा डिसीजन जो होता है आइदर टू एक्सेप्ट रिजेक्ट. दो डिसीजन होते हैं. सो बेसिकली सॉरी रिजेक्ट रिजेक्ट आप कब करते हैं, जब आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं. एक्सेप्ट आप कब करते हैं, जब एग्जीक्यूट कर लेते हैं. सो देर आर टू थिंग्स. ठीक है ना, डिसीजन दो तरीके के होते हैं. अब कुछ डिसीजन होते हैं वो जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ जो होते हैं नहीं डिपेंडेंट होते. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिसाइड हमने मैंगो ड्रिंक लेनी है कि ऑरेंज ड्रिंक बनाएंगे हम. तो नो ना हमने फ्लेवर टेस्ट करवाया थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़े से लोगों पर हमने वो उनको टेस्ट करवाया, सैंपल टेस्ट करवाया कि आप कौन सा लोगे. ठीक है, सो उनको अगर ऑरेंज पसंद आता है तो इट मीन्स हम मैंगो वाले को रिजेक्ट कर देंगे. तो ये तो हो गया म्यूचुअली इंक्लूसिव. एक्सक्लूसिव क्या होता है, देखो एक हमारे पास बिजनेस है शूज का, एक हमारे पास बिजनेस है बुक्स का. बुक्स का शूज से कोई लेना देना है, नहीं लेना देना. इट मींस इसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है. बुक्स को एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे इससे. ठीक है, तो ये हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन हम लेंगे. कैपिटल रैशनिंग डिसीजन. अब कैपिटल रैशनिंग डिसीजन में कि हम क्या करते हैं कि हम कैसे अपने पैसों को वाइजली खर्च करेंगे, कैसे उनको यूज करेंगे. ठीक है, सो ये हमारे डिसीजन हो जाते हैं. अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैश फ्लो वर्सेज अकाउंटिंग प्रॉफिट. ये आपको पता होना चाहिए. अब इसके मैं मेथड डिस्कस करूंगी, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो क्या होता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है और दोनों कब यूज होते हैं. सो आपको पता होगा बजटिंग के हमारे जो मेथड्स होते हैं उसमें एक मेथड होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. सो उसमें जो है हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज होता है, अदरवाइज पूरे के पूरे हमारे बजट वाले चैप्टर में कैश फ्लो हम यूज करते हैं. सो गाइज बेसिकली ये है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमारी कैश आइटम्स भी आती हैं, नॉन कैश आइटम्स भी आती हैं. नॉन कैश आइटम में क्या जुड़ा होता है, डेप्रिसिएशन. क्या जुड़ा होता है, डेप्रिसिएशन. सो इस वजह से जो हमारे कैश फ्लो वाले सम्स होते हैं, जैसे एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया, पेबैक हो गया, सब में कैश फ्लोज ही है ना, तो उसमें जो हमने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट किया होता है उसे टेक बैक ले लेते हैं. सो देखते हैं इसका ये प्रोसेस से समझेंगे. सबसे पहले हमें दिया होता है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन. ठीक है, एनपी
बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं, तब क्या निकल जाता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, फिर उसमें से हम टैक्स माइनस कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 40% टैक्स था, माइनस कर दिया, अब हमारे पास क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्सेस। देखो अब डेप्रिसिएशन भी हमने लगा दिए, टैक्स भी लगा दिए, ये तो हो गया हमारा कौन सा प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट हो गया ये हमारा, अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट किस वाले मेथड में यूज होता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। इट मींस हम अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है तो नेट प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन भी माइनस होगी, टैक्सेस भी माइनस होंगे, इतनी चीज। लेकिन अगर बात आती है अकाउंटिंग प्रॉफिट की, तो टैक्स तो माइनस होगा, लेकिन ये जो पीछे हमने डेप्रिसिएशन माइनस करी होती है उसे हम दोबारा से प्लस करते हैं उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। अब आप बोलेंगे क्यों करते हैं हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक, रीजन बीइंग कैश फ्लो का मतलब है सारी आइटम्स हमने कैश की लेनी है, लेकिन डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम होती है, तो नॉन कैश आइटम के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमें ये इसकी जरूरत पड़ती है। सो दैट्स व्हाई हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, और जिसको हम कैश इनफ्लो बोलते हैं, वो कंसीडर करते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, इसका बेस क्लियर कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम मैं आपको एक एक करके सारे के सारे मेथड्स जो है वो क्लियर करवाऊंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।